चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 4 पाव, धनिया, हरा धनिया, धनिया की चटनी, मीठी चटनी, नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, बेसन, 3 आलू लिए मैंने, 1 अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, बेकिंग पाउडर और ऑयल चाहिए हमें तलने के लिए। 1 पाव लेंगे, उसके अंदर ये आलू डाल लेंगे। आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब हम डालेंगे हरी मिर्ची, नमक, नमक स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी अदरक। अदरक को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। आप वड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। देखिए इस तरह से बाउल लेंगे, बाउल बेसन डाल लेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। जीरा पाउडर, नमक, नमक स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, अमचूर, चाट मसाला और हरा धनिया। देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसा बैटर चाहिए वड़ा तलने के लिए। देखिए इस तरह का, ना तो ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। अब हम वड़ा तलेंगे। तेल मैंने रख दिया है, तेल हमारा गर्म भी हो गया है। अब हम वड़ा तलेंगे उसके अंदर इस तरह से। हाथ से नहीं लेंगे हम, या तो चम्मच से या फिर फोर्क से इस तरह से इसको उठा के तल गया है। उसको निकाल देंगे टिश्यू पेपर पे। देखिए इस तरह से, इसी तरह हम और बड़ा तलेंगे। देखिए
कितने बड़े आ जाए आपकी कढ़ाई में उतने बड़े तल लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वड़ी जो है वो तैयार हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बड़े हमने बना लिए हैं। अब हम बड़ा पाव बनाएंगे। अब हम एक पाव लेंगे, उसको इस तरह से बीच में से काट देंगे। देखिए, सारा नहीं काटना, हमें बीच में से ही काटना है। इसको भी हम इसी तरह से काट लेंगे, इस तरह से। अब हम एक तरफ इसके धनिये की चटनी लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और दूसरी तरफ हम मीठी चटनी लगाएंगे। और इसमें एक वड़ा रखेंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। ये वड़ा पाव खाने में बहुत टेस्टी बनता है, आप घर में जरूर बनाइए। देखिए इस तरह से, पहले धनिया की चटनी, फिर हम ऊपर की तह पे मीठी चटनी। आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप दोनों तरफ धनिया की चटनी लगा सकते हैं। मीठा पसंद नहीं है तो आप धनिये की चटनी लगा सकते हैं। एक बड़ा पाव उसमें इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह से दबा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बड़ा पाव खाने के लिए तैयार है। आप इसको धनिये की चटनी, मीठी चटनी, जैसे आपका मन चाहे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।